नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं शहनाई के मशहूर कलाकार लोकेश जी से। कल आपने इस बातचीत का पहला हिस्सा देखा था, आज देखिए बातचीत का दूसरा हिस्सा। लोकेश भाई, कैसे आप पहुंचे, कैसे जसराज जी तक, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे पहली मुलाकात हुई और कैसे फिर वो तैयार हुए कि हाँ वो आपको सिखाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तारीफ पहले मेरे पिताजी से, फिर उसके बाद शहनाई वादक पंडित संताल जी, पंडित जयशंकर जी से हुई। वहां भी किसी कारणवश डिसकंटिन्यू हुआ मेरा जाना। बहुत गहन कारण है वो, उसका खुलासा नहीं हो सकता है। तो मतलब वहां से ही मुझे हुक्म मिला कि अब आप की तालीम पूरी हो गई है कि और आप कहीं जा सकते हैं। ये परमिशन उन्होंने ही दी मुझे। वो कारण क्या रहा वो मुझे मालूम नहीं। तो वो एक दौर ऐसा था कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में चला गया था उस समय पर। मैंने शहनाई बिल्कुल छोड़ दी थी उस समय पर बजाने। मैं 6-7 साल तकरीबन शहनाई बजाई ही नहीं और अपने कुछ व्यवसाय में मैं लग गया था उस समय। लेकिन संगीत से जुड़ाव तो संगीत से जुड़ाव ही है। ईश्वर जिनको चाहते हैं वो करते ही हैं। हम करने वाले कुछ नहीं है, करवाने वाले वही हैं। तो उनकी कुछ इच्छा रही रहती तो मैं कमानी में कार्यक्रम सुनने जाता था, कई लोगों को सुनता था। लेकिन गुरुजी संगीत मातरम पंडित जसराज जी का जब भी होता था मैं किसी ना किसी तरीके से एंट्री ले लिया था। और वहां जाकर के मेरी एक आदत थी कि मैं सबसे पीछे जो बालकनी होती है उसके अंदर जाके बैठता था। और जब मैं बैठता था वहां और जब वो गाते थे तो एक प्रकाश मेरी तरफ आता था उधर से, जैसे कि वहां से कुछ आ रहा है और मेरे यहाँ एंटर कर रहा है माथे में। बिल्कुल ऐसा भी कई बार होता था कि आंसू आए जा रहे हैं और वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत बार सुना, कुछ ऐसा लगा कि ये संगीत शायद मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मुझे बुला रहा है अपनी तरफ। 4-5 बार हुआ ऐसा कुछ। उस समय गुरुजी का दौर भी ऐसा हुआ करता था कि लोग जाते हुए डरते थे उनके पास में। काफी लोग दूर से ही मुलाकात करते थे जो बहुत खास गुने चुने लोग होते थे। बहुत 3-4 बार 5 बार जाने के बाद हमें लगा कि हमें सीखना चाहिए, हम अब दोबारा सेशन है कंटिन्यू करेंगे। तो एक दिन ऐसा ही एक मौका मिल गया, सब लोग जाने लगे थे, वो किसी वजह से उनके स्टूडेंट्स वगैरह सामान समेट रहे थे। तो कुछ एक दो ही लोग थे बस, हम गए और जाकर के हमने बोला कि हम आपसे सीखना चाहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है और हम बताएंगे आपको। उन्होंने नंबर हमें लिखवा दिया। तो उन्होंने कहीं से YouTube से या कहीं से कुछ हमें सुना, फिर हमने फोन किया तो उन्होंने कहा कि आ जाओ मुंबई। बस उसी दिन से ईश्वर कृपा शुरू हो गई। और मुझे ये भी याद है कि फर्स्ट टाइम मैं घर में नहीं गया, गुरु जी का खुद फोन आया कि तुम हैदराबाद आओ। हैदराबाद में गुरु जी के पिताजी और भाई का बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, पंडित मणिराम पंडित मोतीराम सिंह। बोले कि आप पहले वहां मेरे पिताजी और मेरे भाई की चरणों में थोड़ा सेवा करो। उनका ये भी था कि वहां थोड़ा सा सुनने को भी कुछ मिलेगा। तो सुनने को मिलेगा से मेरा मतलब है कि सीखने लायक शिष्य है कि नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा उनका कुछ कहा होगा। तो जब मैं गया वहां पर मुझे कुछ आधे घंटे का समय मिला, मैंने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद मुझे आज्ञा मिली कि जब भी समय मिले बंबई आ जाना। उसके बाद निरंतर मैं 12 साल गुरु जी के चरणों में रहा और बंबई जाके सीखता था। उसके बाद कभी दिल्ली आते थे तो दिल्ली साथ में, और दिल्ली के आसपास गुरु जी कभी आते थे तो मथुरा वृंदावन या आसपास कहीं भी जाते तो मैं साथ में ही रहता था। और साथ में ही मैंने बहुत तालीम ली और इन 12 सालों में सबसे छोटा शिष्य होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा प्यार भी बहुत मिला। मैं लोकेश जी बहुत सारे ऐसे शिष्यों को जानता हूँ जो आपके गुरु भाई होंगे और उनके पास बड़े गजब गजब के किस्से होते हैं जसराज जी के। कोई उनके क्रिकेट प्रेम के बारे में बताता है, कोई उनकी फिटनेस को लेकर जो फ्रीक थे वो जिम जाना और जिस तरीके से उसके बारे में बताता है। आप पंडित सुमन घोष जी से बात कर लीजिए, इस मंच पर हम लोग बात कर चुके हैं उनसे, वो बहुत सारे किस्से सुना चुके हैं। संजीव भाई ने बहुत सारे किस्से सुनाए हैं। कोई आपका भी किस्सा जरूर होगा पंडित जी के साथ, तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए।
किस्सा ऐसा है कि देख मेरे को ध्यान आ रहा है अभी। जी हम लोग रमन रेती में हम लोग ठहरे थे एक बार। तो वहां पर मेरे बड़े गुरु भाई पंडित रतन मोहन शर्मा जी, मैं और गुरु जी, हम लोग एक हफ्ते के लिए वहां पर थे आश्रम में, गुरु शरणानंद जी के आश्रम में हम लोग थे। तो गुरु जी के साथ रहने का मेरा वो पहले ही एक एक्सपीरियंस था। तो हम लोगों ने भोजन वगैरह किया दोपहर का। मुझे गुरु जी ने बोला कि थोड़ी हाजिरी लगा दो तुम। मैंने थोड़ा हाजिरी लगाया वहां पर। उसके बाद दोपहर को गुरु जी का सोने का समय शुरू हुआ। तो हम लोग गुरु जी की सेवा कर रहे थे, मैं सेवा कर रहा था और रतन भैया थोड़ा बाद में आने वाले थे। तो गुरु जी विश्राम की मुद्रा में थे उस समय। तो गुरु जी मुझसे बोले कि टीवी ऑन करो। अब उस रूम में टीवी तो था नहीं। मैं बहुत सपने में पड़ गया, और क्योंकि गुरु जी नींद की थोड़ी सी मुद्रा में भी थे, तो मुझे लगा कि क्या टीवी ऑन करूं, समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या। तो बोल भी नहीं सकते थे कि क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे गुरु जी, कौन सा टीवी, कैसा टीवी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ तो है इस बात में। हाँ, बोले हम सेवा कर रहे थे तो बोले, अरे भाई टीवी ऑन करो। नहीं समझ में आया कुछ भी। इतने में ईश्वर ने हमारी सुन ली और रतन भैया रूम में एंटर कर गए। रतन भैया ने देखा कि मैं फंस गया हूँ। तो मैंने रतन भैया को इशारे में बोला गुरु जी बोले टीवी ऑन करने के लिए। तो वो कहले अच्छा। तो रतन भैया ने भी दोबारा से उनका दूसरे पैर की सेवा लेते हुए फिर एक कहानी स्टार्ट की उन्होंने पूरा एक। अच्छा हाँ, वो कहानी ऐसी कि उसको खुद ही उन्होंने बनाया उस समय की। जैसे कि एक राजा थे, वो अपने महल में थे, वो वहां से चले, फिर वो एक जंगल में पहुंचे, ऐसे करके। फिर गुरु जी थोड़ी देर बाद पूर्ण तरीके से निद्रावस्था में चले गए। तो हमें लगा कि आज हम बच गए हैं। फिर बाहर हम गए तो रतन भैया ने बताया कि टीवी करने का मतलब है गुरु जी जब भी सोते हैं तो उनको छोटा सा कहानी वो सुनते हैं। तो फिर से हम उसके बाद से हम जब भी एक बार बार मौका मिला तो कहानी उसी समय, क्योंकि पता नहीं कि उस समय गुरु जी कहानी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहते थे। तो ये एक बड़ा रोचक किस्सा है कि, और सीख भी है एक हमारे लिए। बिल्कुल। तो लोकेश जी, एक बार फिर से विनम्र गुजारिश यही करेंगे कि कोई ऐसी चीज सुनाएं जो जिस पर आपको बहुत तारीफ मिलती रही हो पंडित जी से, जिस पर वो आकर पीठ ठोकते हो और कहते हो कि तुमने बहुत अच्छा बजाया है लोकेश। कोई ऐसी चीज जो उनके दिल के करीब रही हो। गुरु जी को मेरी धुनें बहुत पसंद थी। गुरु जी हमेशा, जब भी एक बार ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ एक कहीं कॉन्सर्ट में थे, हम लोग गुरु जी सामने बैठे हुए थे, सिर्फ समय की व्यस्तता के कारण राग छोटा सा बजा के मैंने उसको खत्म कर दिया कि 15-1 मिनट का कुछ समय था। तो वो नाद बिंदु का उद्घाटन था पूना में। नाद बिंदु जो महर्षि चिन्मयानंद जी का जो आश्रम है, वहां पर यूनिवर्सिटी एक खुली थी शायद लोगों को, स्टूडेंट्स वगैरह को संगीत सिखाने के लिए। बहुत छोटा सा समय था, तो उसमें मैंने कुछ राग परफॉर्म कर दिया था। तो उसमें गुरु जी ने बोला कि इतने छोटे समय में धुन बजाया करते हैं, और धुन तुम अच्छी बजाते हो, बाकी लंबा समय हो तो उसमें राग के बाद भी धुन बजा सकते हो, लेकिन जब छोटा समय हो तो हमेशा धुन बजाने चाहिए। और लास्ट ईयर भी मैं हैदराबाद में जब परफॉर्म किया पंडित मणिराम पंडित ज्योतिराम संगीत समारोह में, उस दिन भी मेरे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की एक धुन थी, उसको एक मॉडिफाई करके बजाया अलग अलग तालों में। मैं कोशिश करूंगा उसी को बजाने की, अगर लोगों को पसंद आए तो।
लोकेश जी के साथ इस बातचीत में वक्त एक और ब्रेक का है, और याद है ना आपको, कल रात 9 बजे आपको फिर जुड़ना है रागगिरी के YouTube चैनल से। हम आपको दिखाएंगे इस इंटरव्यू का तीसरा और आखिरी हिस्सा।